हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोफिया हर्ज ब्लॉग्स। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज हम मॉर्निंग में 6 बजे के करीब उठ गए थे जल्दी, और उसके बाद जियान भी उठ गए थे। तो हम 6:30 बजे के आसपास वॉक करने गए थे, मॉर्निंग वॉक जियान को लेकर अपने साथ। तो हमने सोचा आज शुरू से ही, सुबह से ही ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ जियान की हमने ट्राईसाइकिल ले ली थी, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था सुबह सुबह में। काफ़ी कम लोग आए हुए थे वॉक पर, क्योंकि अब ठंडा होने लगा है तो कम ही लोग नज़र आते हैं शाम के टाइम पर। और इतना अच्छा लग रहा था ना, जब आप सुबह उठ जाते हैं तो पूरे फ्रेश रहते हैं, अपनी प्रेयर वगैरह नमाज वगैरह पढ़कर हम फिर गए, तो इतना अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही चाहती हूँ मैं रोज़ ऐसे ही हो, और मैं रोज़ ऐसे ही उठूँ। उसके बाद जियान जब वॉक पर से आए, उसके बाद मैंने इन्हें बाथ वगैरह कराया, तो यहाँ पर ये देखिए टॉवल बांध कर ऐसे घूम रहे थे, नहीं ये खेल सूझ रहा था, और ये चाह नहीं रहे थे कि मैंने कपड़े पहना हूँ, तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे मुझे। और इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन की। आज बनाए मैंने आलू के पराठे, सबकी फरमाइश से आलू के पराठे, स्पेशली मेरे हस्बैंड की। तो हमने मॉर्निंग में आलू के पराठे बनाए। आप लोग क्या खाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मैं कभी आलू के पराठे, कभी बॉन ऑमलेट, कभी चिकन सैंडविच, कुछ कुछ बनाते रहते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट। तो आज आलू के पराठे थे, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। बट कहीं कहीं स्किप हो गया है बीच में, वो आगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं पूरा व्लॉग दिखाऊंगी अपना रूटीन के साथ। और यहाँ मेरा पराठा रेडी हो चुका है। फिर यहाँ शाम, दिन का स्किप हो चुका है सब कुछ, यहाँ रात को हम डिनर के बाद रोज़ वॉक पर जाते हैं। जियान का स्पेशली होता है कि उसे वॉक करनी है, अगर इवनिंग वॉक नहीं हुई तो उसको आफ्टर डिनर वॉक करनी है, तो करनी है चाहे कुछ भी हो, एनी हाउ वॉक करनी है। तो यहाँ जियान वॉक पर जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के साथ, और हम लोग सभी वॉक करने जाते हैं रात में डिनर के बाद। पर यह मौसम भी ठंडा है और ट्रैफिक इतना होता है, और ये बच्चा हाथ बिल्कुल नहीं पकड़वाता है, बस भागता रहता है कि मामा काओ ये वो ग्रास वगैरह पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला, और बस चलते रहना है। और अपनी साइड मालूम नहीं है जियान को, 20 रोड पे जाना है, और पीछे से कभी कार आती है कभी एक्टिवा आती है, तो हमें थोड़ा डर रहता है, इसलिए हम लोग साइड बाय साइड जियान के चलते रहते हैं, और जियान के पीछे पीछे रहते हैं। और जबकि जियान के पास अब ट्राईसाइकिल है, वो ट्राईसाइकिल पर बैठना नहीं पसंद करते, उन्हें चाहिए कि मैं वॉक करूँ, तो वो वॉक ही करना प्रेफर करते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरा 1 किलोमीटर के दायरे में हम यहाँ पर वॉक करते हैं एटलीस्ट 1 एंड 2 राउंड, और ये बच्चा पूरा राउंड लगाता है, और वो भी बिना गोद के, गोद में नहीं आते, ओनली वॉक, रनिंग वॉकिंग। तो जियान का ये चलता रहता है। और यहाँ इन दोनों भाइयों की छोटी सी मस्ती भरी वीडियो बहुत ही क्यूट थी, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियो में। और यहाँ रात को मेरे हस्बैंड की क्रेविंग मैक्रोनी की, तो उन्होंने रात को बैठ कर स्पाइसी सी मैक्रोनी बनाई है। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बताइएगा आपको पसंद आई मैक्रोनी या नहीं। इसकी रेसिपी वैसे मेरे चैनल पर है ऑलरेडी, पहले मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पूरा देखिएगा, फिर मिलते हैं जल्दी।